दादर रेलवे स्टेशन पर बैग में शव लेकर घूम रहा था शख्स, आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। शख्स ने शव को पहले हथौड़े से की थी हत्या, अब रेलवे स्टेशन पर हुआ गिरफ्तार, दो लोग और हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी, लोकल ट्रेन की देरी से स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ी भीड़। मुंबई में अपने घर का सपना होगा पूरा, 13 सितंबर को ड्रॉ निकलने की आशंका। लड़की बहन योजना के आलोचकों को अजीत पवार का जवाब, असंभव को संभव बनाना मेरी पहचान, जल्द ही बढ़ेगी राशि। ठाकुरले से डोंबिवली के बीच ओवरहेड वायर टूटा, मध्य रेलवे पर करीब 50 लोकल सेवाएं हुई रद्द। मुंबई की 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को दिया बड़ा झटका। लाडली बहन योजना पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, शिंदे सरकार को मिली राहत। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में आरक्षण की जरूरत नहीं। हमें कोई फंड नहीं मिला है, पुणे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में महिलाएं हुई आक्रामक। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घर पर हमला और लूटपाट, मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं पीएम। बांग्लादेश में हिंसा में हुआ बड़ा खुलासा, हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, इंडिया गठबंधन के नेताओं से की मुलाकात। UPSC के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच सकती है बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर, 7 अगस्त को होगी सुनवाई। माड़ा ने गोरेगांव परियोजना में पहली बार जिम और स्विमिंग पूल को जोड़ा। अमरावती शहर में 4 और कोरोना संक्रमित, 3 स्वाइन फ्लू के मिले मरीज। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए 5 साल के लिए मंडपों की अनुमति दे BMC, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लिखी चिट्ठी। मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी ने देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली का लगाया आरोप और सबूत किया पेश। मुंबई में सोने के दामों में गिरावट, सोना 69,710 रुपए तोला तो वहीं चांदी 82,500 रुपए किलो। नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक की हुई मौत, 9 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।